अगर आपसे अपने लोन ईएमआई का पैसा जमा नहीं किया जा रहा है तो परेशान मत होइए, आप लोक अदालत चले जाइए। लोक अदालत में आपका 70% तक लोन माफ हो जाएगा, जो बकाया राशि है उसका 70% तक माफ हो जाएगा। अगर बैंक वाले एनबीएफसी कंपनी वाले आपको सेटलमेंट के लिए पूछ रहे हैं तो सेटलमेंट करने का सबसे अच्छा माध्यम लोक अदालत होता है, जहां पे आपके लोन को 70% तक माफ किया जाता है। ये लोन कैसे माफ होता है, किसका लोन माफ होता है, इसका क्या पूरा प्रोसेस होता है, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो अभी तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे कि लोक अदालत में लोन कैसे माफ होता है, 70% तक लोन माफ हो जाता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपने किसी भी बैंक से सिक्योर लोन लिया है, अनसिक्योर लोन लिया है, और लोन काफी पुराना हो चला है, मान लीजिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत सारे लोगों का तो ऐसा भी लोन देखा गया है जो कि 8 साल पुराना लोन है। इस तरह के लोन में अगर आपको अभी भी रिकवरी एजेंट का कॉल आता है, बैंक से कॉल आता है, तो सबसे पहले ये बात समझिए कि वो जो कॉल है वो बैंक नहीं करता। ये जो सेटलमेंट का जो ऑफर है, जो सेटलमेंट डिपार्टमेंट आपको बोलते हैं कि हम आपके लोन को 50% में माफ कर देंगे, हम आपके लोन को 40% पे सेटल कर देंगे, जो भी ऑफर दे रहे हैं ये बैंक नहीं देता। हालांकि ये थर्ड पार्टी एजेंसी होते हैं, पर हमेशा जब कॉल करते हैं तो आपको यही बोलेंगे कि हम SBI बैंक से बोल रहे हैं, हम HDFC बैंक से बोल रहे हैं, वो हमेशा बैंक का नाम लेके ही आपको कॉल करते हैं। और जब आप पैसे नहीं देते हो, काफी दिन इंतजार करने के बाद भी आप पैसे नहीं देते हो, तो ये आपको लालच देते हैं कि ये काम कीजिए सर, आपसे अगर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो ये काम कीजिए, हम आपके लोन का 50% छोड़ देंगे, जो बाकी का बकाया लोन है आप उसको जमा करवा दीजिए, आपको वो लोन भी पूरा नहीं देना, आप उसको किस्तों में दे सकते हो। जब आप फिर भी नहीं पे कर पाते हो तो आपको देखा होगा कि आपको अक्सर लोक अदालत का नोटिस आता है। अभी जो अगला नोटिस सबको रिसीव होगा वो 11 दिसंबर का होगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत आपके शहर में, आपके तहसील में 11 दिसंबर को लगने जा रही है, जहां पे बहुत सारे मामला की सुनवाई होती है। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, बिजली बिल हुआ, किसी भी तरह का एक छोटे मामला होते हैं जो लोक अदालत में जाके सेटलमेंट होता है। बेसिकली अदालत सुन के काफी ज्यादा लोग डर जाते हैं, इसको समझौता केंद्र बोला जाए तो बहुत सारे लोग नहीं डरेंगे। यहाँ पे आपके पास नोटिस आएगा, अगर आपने किसी भी तरह का कोई लोन लिया है, आपने कोई सिक्योर लोन लिया है, सिक्योर लोन अगर 20 लाख से कम है तो आएगा नोटिस। अगर आपने CC लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है, तो आपने देखा होगा कि आपके पास एक नोटिस आएगा जिसमें बुलाया जाएगा कि आपका इतना ड्यू अमाउंट है, आप इतना परसेंट जमा कर दो, बाकी का लोन वो भूल जाएंगे, वो माफ कर देते हैं। और लोक अदालत की सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर आप लोक अदालत में जाके लोन सेटल कराते हो तो बैंक और NBFC कंपनी दोबारा आपसे कभी भी रिकवरी नहीं करेंगे, वहां पे हाथों हाथ आपको NOC मिल जाता है। NOC मिलने के बाद कोई भी बैंक और NBFC कंपनी दोबारा ना रिकवरी कर सकते हैं, ना कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई पुराना लोन है, मान लीजिए 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, पर्सनल लोन का है, किसान क्रेडिट कार्ड का है, मतलब किसी भी तरह का इस तरह का लोन है जो काफी दिन पुराना है, और बैंक NBFC कंपनी से अभी भी लोन का, बैंक और NBFC कंपनी की तरफ से अभी भी फोन आ रहा है कि उस लोन को पे कर दीजिए, तो आप लोक अदालत चले जाइएगा, वहां आपके लोन का 70% तक माफ कर दिया जाता है। ये 70% माफ क्यों किया जाता है इसको समझिए, क्योंकि जितने भी थर्ड पार्टी एजेंसी है ये बैंक से लोन खरीदते हैं, और इनका एक परसेंटेज होता है कि उतना भी अगर रिकवर हो गया तो अच्छा है, अगर आप पैसे भी नहीं दोगे तो वे आप पे कोई लीगल एक्शन ले नहीं पाते। इनका मेन मकसद होता है कि जितना कस्टमर से पैसे आ जाए, क्योंकि पैसा ऑलरेडी डूब चुका है, इसमें जो भी निकल जाए वो उतना अच्छा है। लोक अदालत के जरिए वो आपको अक्सर बोलेंगे कि मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लीजिए आपका 1 लाख का लोन है, वो ऑफर करेंगे कि 70,000 दीजिए, माफ कर देंगे, पर आप बार्गेनिंग करोगे तो 30,000 तक में भी सेटल हो जाएगा, क्योंकि पूरा पैसा डूब रहा है, वहां उसको 30,000 भी मिल रहा है, तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि लोक अदालत के नोटिस को लेकर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आपके पास भी लोक अदालत का नोटिस आ रहा है तो चले जाइएगा, वहां आपके लोन के लिए अच्छा ही रहता है। वहां ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको जाना जरूरी है, अगर आप नहीं भी जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं, पर चले जाओगे तो आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।